ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। भागवत का स्कंद 11वां 9वां अध्याय। हे राजा जद, नामा गुरु मैंने अजगर को करा। पहले मेरा ये व्यवहार था, भोजन घर घर का मांगता खाता था, जो कोई देता था तो सुख से खा लेता था, और जो कोई ना देता मन में क्रोध करता और दुख जानता। एक दिन वन में बिखर एक अजगर को देखा, महादीर्घ शरीर उससे हिला जुला भी नहीं जाता था। मेरे मन को सोच हुआ कि इसको भोजन क्यों कर प्राप्त होता है, इससे इतने में क्या देखता हूँ, बहुत से मृग उसको पहाड़ जान के उससे अपना शरीर घिसते थे और वो निकल जाता था। उस दिन से मुझको निश्चय हुआ, नारायण सबको भोजन पहुँचाता है, घर घर का फिरना इस करके छोड़ दिया। हे प्रलब्ध से जो कुछ मिल जाता है आनंद पूर्वक खा लेता हूँ, और जो नहीं मिलता तो जानता हूँ कि आज मेरा प्रलब्ध में कुछ नहीं था, सो संतोष से बैठा रहता हूँ। हे राजा, वैष्णव जो घर घर फिरते हैं उनको मनुख बहुत सा दुर्वचन बोलते हैं, और जो कोई वन में एकांत रहते हैं उनको ढूंढ के भोजन पहुँचाते हैं। 10वां गुरु मैंने समुद्र को किया, वो सदा आनंद और प्रफुल्लित एक रस रहता है। वर्षा ऋतु के समय सरिताओं का जल समुद्र में जाता है तो वो समुद्र कुछ बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घट नहीं जाता। जैसे ही साधु को चाहिए सदा एक रस रहे, उस्तत और निंदा को एक सा जाने, दुख और सुख को एक सा पहचाने, और नित्य प्रति भजन भगवान में आनंद रहे। और 11वां गुरु पतंग को किया, जो दीपक के ऊपर जल मरता है ऐसे ही साधु को जो स्त्री का संग करता है पतंग की निमाई वस्त हो जाता है। 12वां गुरु मेरा भबरा है, थोड़ा थोड़ा सब फूलों से रस चूस से अपना पेट भर लेता है, एक को दुख नहीं देता। तो साधु मांग के उधर पूर्णा चाहते तो थोड़ा थोड़ा मांग के पेट भर लेवे, एक को दुख ना देवे। हे राजा, 13वां गुरु मेरा शहद दी मक्खी है, वो मक्खी शहद को जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती रहती है और मनुख उसको हटाए शहद ले जाते हैं, उसदे अर्थ नहीं लगता। उसी दिन से मैंने संचय करना छोड़ दिया। 14वां गुरु मेरा मतवाला हाथी है, एक मतवाता हाथी वन विच रहता था और उसदे भय दे मारे कोई मनुख और पशु उसदे निकट नहीं जाता था। एक राजा ने यह बात श्रवण करी कि हाथी एक बड़ा मतवाला है और विचार करा कि इसको पकड़ना चाहिए। उसके पकड़ने निमित्त कई महावत भेजे, महावतों ने एक गहरा गड्ढा खोदा और पतली पतली लकड़ियों से उठाए ढक दिया, और उस गड्ढे के पास एक कागदों की हथनी बनाकर बांध दी। हे राजा, वो हाथी बल और कामदेव करके बावला हो रहा था, हसनी को देखते ही आसक्त होके उसने ऊपर आया और उस गड्ढे में गिर पड़ा और बहुत से दिन खाने को ना दिया, भूख प्यास से महादुर्बल हुआ और सब पुलीड उसके सारे जाते रहे। सब महावत ने उसको पकड़ा और उसने ऊपर चढ़ के राजा के पास ले आए, तब से वो बंधायमान हो रहा है। हे राजा जद, जब से दशा उस हाथी की देखी तब से अपने मन में ये निश्चय करा, जो कोई साध वैष्णव स्त्री के पास जावे उसको उस हाथी जैसी दशा होती है, और जो कोई यह बात कहे कि साध वैष्णव को स्त्री चरण सेवा करती है तो ये बात बहुत बुरी है। किस कारण के स्त्री के हाथ स्पर्श होने से कामदेव चैतन हो जाता है और मन का ज्ञान जाता रहता है, और स्त्री कर लेता है तो भगत
को भ्रष्ट करके नरकगामी होता है। इस विचार करके हे राजा, मैंने स्त्रियों से बोलचाल और संदर्भ छोड़ दी। पंद्रमा गुरु मेरा पपिया है, उसको क्या सुभा है जो अपने कारण आप भोजन नहीं करता। मक्खी शहद को जोड़ के इकट्ठा करती रहती है और वो उसको खा लेता है। इसी प्रकार सन्यासी को चाहिए कि अपने अर्थ आप भोजन ना करे, जो कोई कुछ देवे तो खा लेवे, नहीं तो हरी इच्छा, और जो कोई गृहस्थी ना देवे तो क्या करे। जे राजा जद ने तो गृहस्थी भोजन करने के बैठे और अतीत आए के पुकारे तो उसे को हटाए देवे और आप भोजन कर ले तो उसका बड़ा दोष है। हे राजा, सोलवा गुरु मेरा बनका मिर्ग है और जोहड़ की मछली है, और जब मिर्ग को वन में आनंद भरा देखा कि फिर रहा है, एक पारदी ने निकट आए के राग गायन किया। वो मिर्ग राग श्रवण करने से मतवाला आया पारदी के निकट जाए, उस मुक्त को मिर्ग को गोली मारी। सो उस दिन से हे राजन, मैंने राग श्रवण करना छोड़ दिया और आत्मा बिखे मन को आनंद रखता हूँ। और एक दिन एक जूहड़े पास खड़ा क्या देखता हूँ, एक मनुख ने एक कांटे में आटा लपेट के जल में डाल दिया और मछली ने जे जाना कि भोजन है, उसको निगल लिया और कांटा पेट में चुभ गया और मछली मर गई। हे राजा जद, उस दिन मैं भोजन की तृष्णा भी मन में त्याग दी और बुरे भले स्वाद छोड़ दिए और मन में निश्चय करा, जिस प्रकार से जैसे कि स्वाद से मछली के प्राण दिए, ऐसे ही वो साधु जीता जीपा का स्वादी होता है, उसका ज्ञान जाता रहता है और नरगामी हो जाता है। पहले मेरा भी स्वभाव था, अच्छा अच्छा मीठा पदार्थ मांगता था, पर जब से मछली की दशा देखी तब से अच्छे भोजन का स्वाद त्याग दिया। हे राजा, जैसे कड़वी औषधि होती है और उससे रोग निवृत्त होते हैं, ऐसे साधु को चाहिए अलूनी फिक्की जिसमें कुछ स्वाद ना हो, थोड़ा सा भोजन खाए लिया करे और सारी इंद्रियों में से जीभा की इंद्री बड़ी बलवान है, जिसने जीभा की इंद्री को जीत लिया उसने सभी इंद्री जीत ली। हे राजा, सतारवा गुरु मेरा पिंगला नाम की बेशवा है, एक दिन जनकपुरी में विचरता था। उस नगर में पिंगला नाम की बेशवा सुंदर रूपवान निवास करती थी। एक दिन वह बेशवा फुलेल और सुगंध लाए के और फूलों की सेज अपने मंदिर में बिछाए के और 16 सिंगार कर प्रातः काल से संध्या तलक अपने दरबार पर बैठी रही। इस कारण कि कोई मित्र आवे और द्रव्य दे विषय मुख करे, सो तड़के से संध्या हो गई। उस दिन कोई उसके पास ना आया। इसी तरह जब पहर रात हुई तब बेशवा ने फूलों की सजा बिछाई रखी थी, उसके ऊपर जाकर पड़ रही, पर कामदेव की मित्रता और दर्भ की तृष्णा से उसको निंद्रा ना आई और सहजा से उठकर फिर दोबार पर गई। इसी तरह आने जाने में आधी रात बीत गई, पर कोई यार उसको पास ना आया जो उसको द्रव देकर दूसरे साथ बिखा भोग कर दे। हे राजा, उस वक्त पिंगला को आप ही आप ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ गया कि जो कोई 10,000 वर्ष तक तप करे तो भी उसको ज्ञान ना हो। और अपने मन में विचार कर कहने लगी, अरे मन मूर्ख, तू बड़ा दुष्ट है जो मनुख काम क्रोध और जन्म मृत्यु के बस में है, उनसे तू प्रीत की इच्छा करे और वो नारायण परमात्मा जो घट घट में भरपूर है और सनका सदा निकट रहता है और सभी लोगों की आशा पूर्ण करते हैं और सारी सृष्टि को भोजन देते हैं और कभी सुख में नहीं कहते, और मनुख जो किसी को एक दिन देता है तो दूसरे दिन जीभा पर लाड़ता है, और भगवान कैसे दीन दयाल करुणा सागर हैं
उनके भक्तों के मन में जो कुछ इच्छा आ जाती है सो सभी पूरी कर देते हैं और ऐसा अचल पदार्थ भक्तों को देते हैं वो कभी घटता नहीं दिन दिन बढ़ता रहता है। ऐसे जो भगवान दीनदयाल करुणा निधान और संतों के हितकारी हैं उनको तो मैंने मन से भुलाए दिया है और इस मनुख शरीर से जो हार्ड मास विष्टा का ग्राम है और उसके नौ द्वार है और सब दरवाजों में दुर्गंध बहती है इससे सुख माना और इस संसार को सत करके जाना सो दृक्कार है मेरी बुद्धि को। आहा मैंने जन्म को वृथा ही गवाया अब मैं निश काम भगत भगवान की किया करा जिसमें मेरा लोक और परलोक दोनों सुथरे। और श्री भगवान जी ऐसे भक्तों के बस हैं उनको कुछ इच्छा नहीं पर देखे लक्ष्मी जी ने उनकी सेवा करी तो कृपा करके उसे हृदय में वास किया। और ये स्त्री जो पुरुष की आशा करती थी सो बड़ी मूर्ख है। जब तलक स्त्री पुरुष जीवते रहेंगे तब तलक दोनों मिलके भोजन खा लेते हैं और जो पुरुष मृत को प्राप्त होता है तब कौन देता है। और ये मनुख से अपना तो कार्य हो ही नहीं सकता दूसरे से कोई क्या देवेगा। आज से जो कुछ भगवान मुझको देवेंगे उसको खाए नंद से बैठ रहूंगी और श्री भगवान का सिमरण करांगी। फिर पिंगला ने अपने मन में कहा कि आज तक कोई मुझसे ऐसा धर्म का काम तो हुआ नहीं और ना तीर्थ तप किए और ना दान करा पर नहीं जानती कि आज मैं पावनी और चंडालिनी को ऐसी ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि उत्तम कहाँ से प्राप्त हो गई। और ये जानो कि आज द्रव्य कुछ प्राप्त नहीं हुआ इस कारण ऐसी बुद्धि हुई जो ये बात झूठी है। पहले बहुत दिनों ऐसा हुआ कि भोजन की प्राप्ति नहीं हुआ था पर ऐसी बुद्धि नहीं हुई थी। आज तो कोई बड़ी कृपा ही भगवान जी की मेरे ऊपर हुई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हे उदो उस दिन उस बेशवा को ज्ञान दत्तात्रेय जी के चरणों से प्राप्त हुआ था उनके प्रताप से हुआ था उनके दर्शन से उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और ज्ञान को प्राप्त होए के सुख पूर्वक जाय के सेजा के ऊपर सोए रही। सो दत्तात्रेय जी कहते हैं हे राजा जद जब से मैंने पिंगल बेशवा की ये दशा देखी तब से सारी आशा अपने मन से निराली कर दी और मन को संतोष देकर परम सुख को प्राप्त हुए। हे राजा जद ये सारी आशा दुख का मूल और ये भजन और भगत को खो देती है और जन्म मरण की फांसी नहीं कटने देती। हे राजा 18वां गुरु मेरा गिद्ध नाम करके पक्षी है एक दिन देखा वो पक्षी अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लिए उड़ा जाता था और बहुत से पंछी उसके पीछे उड़ते हुए आते थे और उसकी चोंच से मारते थे। उस गिद्ध ने दुखी होकर उस मांस को मुंह से छोड़ दिया हे राजा और पंछियों ने भी उस समय उसका पीछा छोड़ दिया। तब वो आनंद से एक वृक्ष पर जा बैठा और राजा जब जय मैं गृहस्थ को त्याग कर बैरागी हुआ तो दो कपीन एक चादर और एक लोटा लिया था। जब मैं पूजा करता था स्नान करता था तो मन में चला आता था ऐसा न हो कोई उनको ले जाए। सो जिस दिन से मैंने उस गिद्ध की दशा देखी तब इसे सब बर्तन और वस्त्र डाल दिए और नंद पूर्वक निरसंदेह भजन में वैकुंठनाथ के रहता हूँ। हे राजा जद 19वां गुरु मेरा बालक रूप पीवणे हारा है दूध पीवणे हारा है मैं पहले भिक्षा के लिए घर घर फिरता था कोई तो सील संतोष से दे देता था और कोई गाली देने लगता था। जो कोई सुख से देता था तो मैं सुखी होकर खा लेता था और जो कोई बुरा बोलता अथवा गाली देता था तो मेरा मन दुखी होता था और क्रोध भी आता था। एक सो एक बालक को देखा मान बढ़ाई हर्क सोग उसको कुछ नहीं जो कोई उसको मारे जा गाली दे रो पड़ता है और शन में भूल जाता है
और जो फिर मारने वाला उसको ले लेता है, ले चला जाता है। स्वर्ण और मित्र का दोनों उसके एक समान है, और सर्प आदि से उसको भय नहीं होता। राजा जब से दशा उस बालक की देखी, तब से हर्ष शोक त्याग दिया। कोई भला वचन बोले अथवा बुरा वचन बोले, एक सा जानता हूँ। और बीसवा गुरु, मेरा कांच की चूड़ी है। एक दिन एक नगरी के बीच एक ग्रह में गया, और उसने ग्रह में एक कन्या देखी। माता पिता उसने किसी कारज से गए हुए थे, वो अकेली अपने घर में बैठ रही थी। और उस दिन उसको ससुराल दे मनुख उसके गांव का संदेशा लेकर के आए। सो उस कन्या ने उन्होंने आदर सहित बिठाया और उनसे कहा कि माता पिता मेरे किसी कारज से गए हैं, जब वो लोग आवे तब तक आप बैठिए और तुम्हारे अर्थ भोजन करती हो। हे राजा, उस कन्या ने उन मनुखों को बैठाकर घर में जाकर भोजन ढूंढन किया, और उस समय उसके घर में और कोई अनाज नहीं था, पर थोड़े से धान धरे हुए थे। वो धान लेकर कूटने लगी थी, और कूटते समय उसके हाथों की चूड़ी बाजने लगी, और वो कन्या अपने मन में लज्जा तो प्राप्त हुई और कहने लगी, जो जे मनुख ससुराल दे मेरी चूड़ियों का बाजा सुने थे, तो ये बात कहेंगे कि देखो ये दलिद्री है, जिनके घर में एक दिन में दे भी खाने को नहीं, और मेरे माता पिता की लज्जा जाती रहेगी। हे राजा, जद ऐसा विचार करके उस कन्या ने सारी चूड़ियाँ फोड़ डाली, एक एक चूड़ी हाथ में रख ली। तो उस दिन से मैं भी विचार करके केला रहता हूँ, कभी दूसरे का संग नहीं रखता। अगर दूसरा चेला कोई रखे भी तो महा उपाद है। इस कारण जो कभी वो चेला आ गया ना मानेगा, अथवा ना करेगा तो मन को क्रोध प्राप्त होगा, और क्रोध दे प्रवेश होने से ज्ञान भी दूर हो जाएगा। इसलिए साधु भगत को इंकंत ही रहना चाहिए। हे राजा जद, 21वां गुरु, मेरा तीर घर है। एक दिन एक नगर में एक दुकान पर बैठा हुआ था, एक तीरगर तीर बना रहा था और उसी में सुरत लगाई थी, रखी थी। सो उस दुकान के आगे से राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली। सो उसकी सूरत तीर बढ़ावने में ऐसी लगी हुई थी, उसने ऊपर को आंख ना उठाई। उसको एक दूसरे मनुख ने कहा, भाई तेरी दुकान के आगे से राजा की सवारी गई, तूने राजा को देखा? उस तीरगार ने कहा, भाई मैंने तो नहीं, मेरी तो सुरत तीर बनावने में लगी थी, मुझको कुछ सुरत ना हुई कि कब राजा गया है कब नहीं। उस दिन से मैंने उस तीरगार का गुरु किया और मन में ऐसा निश्चय करा कि जो ऐसा मन श्री भगवान के में लगावे जैसा तीरगर ने तीर को साथ लगाया था, जो राजा और सारी सेना उसकी दुकान के आगे से चल गई, पर उसको शुद्ध ना हुई। राजा ऐसा ध्यान मनुख करते हैं, जेकर थोड़ा सा खड़क भी होए तो ध्यान से आंख फोड़ लेते हैं। सो वो ध्यान कुछ नहीं, ऐसा आत्मा के विखे मन को लीन करके शरीर दी शुद्ध ना रहे और भूख और प्यास सर्व दी भूल जाए। और 22वां गुरु मेरा है, राजा जद सर्प नाम करके है, सो वो एकांत करता है और अपने दर्व अर्थ और घर नहीं बनवाता। जहाँ संध्या होती जाती है वहीं विश्राम कर लेता है, और साधु को चाहिए कि अपने अर्थ कुटिया ना करे, जहाँ चाहे वहाँ ही पड़ा रहे। और 23वां गुरु मेरा मकड़ी है, वो मुख में डोरा उगलती है फिर निकल जाती है, उसी के ओर से मर जाती है। ऐसे ही जय जीव संसारी फंदों में फंसा उर्ज रहा है, जब श्री भगवान की प्रेम भक्ति हृदय में धारण करके, और तब ये संसारी
डोरा छूटे। और 24वां गुरु, मैंने भृंगी को करा पहले निश्चय नहीं आता था, जो जीव से ब्रह्म हो जाता है सुनने में आता था, तो अपनी आंखों से देखा। एक दिन भृंगी एक कीड़े को उठाए के अपने घर में ले गई और अपने द्वार के ऊपर बैठ के उसको बाहर जाने ना दे और अपनी दृष्टि उसको देखती रहे। उसकी दृष्टि से और प्रताप से कुछ दिनों में वो कीड़ा भी भृंगी हो गया। सो जद निश्चय नारायण में करे तो नारायण रूप हो जावे और जीव से ब्रह्म रूप हो जाए। हे राजा, जद तुमने तो तुमने जो ये बात पूछी, तुम उद्यम नहीं करते और शरीर पुष्ट हो रहा है। सो जब से मैंने ये 24 गुरु धारण करे हैं, तब से ही सारा मोह त्याग दिया और ये समझ लिया है कि यह शरीर अनित्य है और आत्मा अजय अमर नित्य सदा एक रस रहता है। श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं, हे उदो, जय ज्ञान दत्तात्रेय जी राजा जद को सुनाए। नांगे सिर ताए वन को चले गए और राजा जद ने वो ज्ञान हृदय में धारण करके अपने आप को कृतार्थ किया। नौवां अध्याय समाप्त होती। जय गुरुदेव, सतगुरुदेव, जय गुरुदेव।